अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों हम लोग अभी रास्ते में और पहुंचने वाले हैं। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत मजा आ रहा है। राज भाई क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? बंस रोड जामा लाइट और वोटर मार्केट टावर है, साइड पर लगा लेडीज है। टक शॉप पे रुके हैं ताकि जरूरत का सारा सामान हम घर से ले सकें, क्योंकि साहिल का हमें कुछ ऐसा खास नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स लास्ट टाइम की तरह हम पैदल चलकर जो है वो नहीं देखने वाले हट, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए अब हम गाड़ी को स्लो चला चला के हट देख रहे हैं तो कौन सा सही लगेगा। खत्म हो गई हो तो नीचे आ जाओ, आगे देख लो ज़रा हट। शायद अभी हमने फार्म देखा है तो ऐसा लग रहा है कि वो हट जो है ना वो वही वाला पुराना है जिसमें हम पहले आए थे, तो हम खुआरी से बच जाएंगे इसलिए हम पहले ही उतर गए कि जाके जरा पता कर करें कि ये वाला हट है भी कि नहीं। क्वार्टर जा रहे हैं, सबसे आगे आएंगे अभी हट ढूंढने के लिए। क्या मसला है? ये बंद लग रहा है बिल्कुल। भाई चल के देखो तभी तो पता लगेगा ना कौन सा वाला है, हट खुला है कौन सा बंद है। कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे चले। चलो भाई चलो। फ्रेंड्स हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं हम हट्स, लेकिन हमें कोई हट अभी तक मिल नहीं रहा है। इतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं इन्जॉय करें अपनी फैमिलीज के साथ, और हट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमें अभी तक बुक मिले हैं। गाइस पिछले हफ्ते की तरह अभी भी यही सीन हुआ है हमारे साथ कि हमें हट नहीं मिल रहा है और हमें मजबूरन उतरना पड़ रहा है हट देखने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। हमेशा की तरह हमारी फैमिली बेजार हो रही है बस में वेट कर रही है। यकीन जाने कि लास्ट जब मैं होकर आया उसके बाद मेरी ज़रा सी हिम्मत नहीं थी, मैं बिल्कुल थक चुका था। हाँ वो अलग बात है कि इन्जॉयमेंट बहुत की थी हमने, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब दोबारा जाया जाए। लेकिन सिर्फ अपने कज़न्स की वजह से मैंने कहा यार तो अब हम भी चलते हैं, तफरी करते हैं, मज़ा आएगा। तो इनके चक्कर में मैं दोबारा इसी जगह पर इसी दिन इतवार वाले दिन और मैं दोबारा आया हूँ कि यार चलो इन लोगों के खातिर थोड़ी और तफरी कर लेते हैं, और बाकी आपको तो पता है कि कज़न्स के साथ के मज़े तफरियाँ अलग ही होते हैं। तो इस वजह से हम लोग आ गए कि अब हम इन्जॉय करेंगे। जरूरी बातें चल रही हैं, जरा जाके मालूम करेंगे क्या जरूरी बातें हैं जो तीन देर से इनकी खत्म नहीं हो रही हैं और चल रही हैं। तो वाज भाई और समीर क्या बातें चल रही हैं घंटे भर से? भाई अबे तू हट करवा, हट 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 यार, मालूम करने के लिए भेजा हुआ है, मालूम करने के लिए यकीन जाने भेजा हुआ है। लेकिन गाइस इन्हें इतनी जल्दी है ना, इन्हें जरा समझाओ कोई कि घंटा लगता है, तीन चार फार्म देखने पड़ते हैं, तीन चार हट्स देखने पड़ते हैं, उसके बाद हट्स होते हैं, इतने जल्दी हट नहीं होते। ये देखिए जैसे कि आप जानते हैं घास खाते घोड़े की पेंटिंग भी नजर आएगी आपको, ये देखिए घोड़ा खड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इस घास खाते घोड़े को। बाद यार ये वही वाला फार्म हाउस है जिसमें हम लास्ट टाइम आए थे, आपको अलग से बात बनेगी यहाँ पे, देखते हैं अंदर जाके पता चलेगा। ये तो लोग जो हैं अपने लास्ट वीक वाले फार्म हाउस पर पहुँच चुके हैं। पहले की तरह शुक्र है कि वाली खुआरी नहीं पाली हमने, तो उधर उतर के हर फार्म के हम रेट मालूम करें, क्योंकि लोग भी कम हैं और पहले की तरह थकना का दिल भी नहीं था इसलिए हम ऐसे ही उतर गए। फाइनली है ना हमें हट मिल गया, हट 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 मिल गया हमें, और अब देखें आगे का सीन क्या होता है। के भी खूब मजे हैं, बहुत तफरियाँ कर रहे हैं, उनके ने मतलब का काम मिल गया। तो गाइस हम खाने वाने से फ्री हो चुके हैं बिल्कुल, पेट भर के आराम से हमने खाना वाना खा लिया है, और अब धूप भी देख सकते हैं कि कितनी शिद्दत वाली है ये धूप। लास्ट जब मैं आया था वीक तो इतनी धूप नहीं थी और हमने खुल के एंजॉय करा था, लेकिन इस दफ़ा हम खाना खा ही रहे थे कि इतनी देर में इतनी ज़्यादा धूप आ गई, लग रही चले जाए तो हम खुल के एंजॉयमेंट कर पाएंगे, नहीं तो हम बिल्कुल काले होकर जाएंगे। तो चलें देखते हैं अब क्या होता है। लेटेस्ट न्यूज़ है, हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे मामा भी मिलेंगे। अब इनसे ज़रा पूछते हैं कि खैरियत है, मामा है उनके दोस्त यहाँ पे कैसे आ गए भाई? तो सारी केवाड़े हैं भाई, आने तो अपने लड़के हैं भाई। ये अचानक मामा ने आके छापा मार दिया, जबरदस्त भाई। ये मेरे छोटे मामा, मैंने अभी अभी यहाँ पे एक झंडा देखा है जो लाल और पीले कलर का लगा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो झंडा। गाइस ये देखिए यहाँ पे लाल और पीला झंडा लगा हुआ है, तो
भाई इनसे चल के पूछते हैं कि ये यहाँ पे ये झंडा इन्होंने क्यों लगाया है। भाई आप कौन है? मैं रेस्क्यू वाला हूँ, जो बंदा डूबता है मैं लोगों को रेस्क्यू करता हूँ। अच्छा बचाते हैं आप यहाँ पे लोगों को, जो लोग डूब जाते हैं आप उन्हें बचाते हैं? जी जी। अच्छा तो बड़ा नेकी का काम करते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ झंडा क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया कि ये पानी का जो पानी अभी ऊपर आ रहा है यहीं तक आएगा, इससे आगे बंदे नहीं जाएं। अच्छा मतलब आने वाले घंटों में पानी यहाँ तक आ जाएगा, तो है ना पानी बड़ा हुआ खतरा है डूबने का, बहुत खतरा है, तो इस वजह से निशानी के लिए झंडा लगाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ना है। नहीं चलो चलो अच्छी बात, चलो एहतियात करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुन लिया होगा कि रेस्क्यू बॉयज जो हैं वो किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने झंडा क्यों लगाया है कि लोगों का डूबने का खतरा ज़्यादा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, तो प्लीज़ आइए तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और पानी में ज़्यादा आगे मत जाइए। चलें चलते हैं, चल कर पूछते हैं कि मामा आखिर कर क्या रहे हैं वहाँ। मामा क्या कर रहे हैं, क्या है आपके हाथ में, दिखाएंगे आप? ये गिम्बल गिरो 8 ब्लैक। क्या करते हैं इससे? इससे मैं कुछ नेचर की वीडियोस कैप्चर करता हूँ, इससे 4K रेजोल्यूशन में 240 फ्रेम पर सेकेंड इस पर रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोज़ आती हैं, इसे पूरी पूरी फिल्म शूट हो सकती है। ज़बरदस्त मतलब पूरी पूरी फिल्म सा देखने वाला है, पूरा बम है। अच्छा मैंने सुना है ये वाला वाटर प्रूफ भी है सर? ये वाटर प्रूफ भी है, इसको हम समंदर में डाल दें जो करना करते हैं। ज़बरदस्त यार, तो पूरी शूटिंग के लिए आज से आए हैं आप लोग? आज हम आए सिर्फ शूटिंग के लिए, पूरी शूटिंग करने आ जाते हैं। ज़बरदस्त भाई, मुझे तो लग रही है ठीक ठाक कुक, तो अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, खाना खाने के बाद मैं आपसे आराम से थोड़ी बात करता हूँ, जब तक के लिए मैं टाटा बाय बाय, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो गाइस हमने खाना वाना खा लिया, सब कुछ हमने कर लिया, अब हम जो है नहाने के लिए जा रहे हैं, और शायद उसके बाद मैं आगे वीडियो ना दिखा पाऊँ क्योंकि मेरा मोबाइल ऑलमोस्ट डेड होने वाला है, चार्जिंग बिल्कुल जीरो होने वाली है, तो मुश्किल है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं नहा रहा हूँ, तफरियाँ कर रहा हूँ। बाकी मौसम तो बहुत अच्छा है, धूप आई थी लेकिन चली गई, क्लाउड्स भी अच्छे आए हैं, हो सके बूंदाबांदी भी हो जाए। इंशाल्लाह हम नहाने जा रहे हैं, फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं। तो गाइस हम लोग नहा लिए धो लिए, तफरियाँ कर ली, बहुत मज़ा कर लिया, अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से बातें करेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या होता है, क्या हो रहा है, क्योंकि नहा के हम बहुत मज़ा आया लेकिन बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो यहाँ पे दूसरी दफ़ा आया हूँ, लेकिन मेरा कज़न वाज जो है वो पहली दफ़ा आया है यहाँ पर, तो ज़रा उससे मालूम कर लेते हैं कि उसको भी मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ वाज, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सो माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, और मौसम ने तो एंड कर दिया, तो बहुत लास्ट का मौसम था, और माशाल्लाह धूप भी नहीं है, तो हर चीज़ इंजॉयमेंट है। तो आप भी संडे इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। आज हम जैन से मिलते हैं और जैन से पूछते हैं कि तफरी कर रहे हैं नहीं कर रहे? भाई तफरी कर रहे नहीं कर रहे बताओ, यहाँ की इंजॉयमेंट कर रहे हो? पढ़ने थोड़ी आए हैं यहाँ पे, सही बात है पढ़ने थोड़ी आए हैं। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ, आप ये देख रहे होंगे कि इनके मुंह पे सनब्लॉक लगा हुआ है, मेरे मुंह पे नहीं लगा हुआ, इसकी कोई खास वजह आप लोग जानना चाहेंगे मैं आपको बताता हूँ। खूबसूरत दादा हूँ ये, खूबसूरत ये कह रहे हैं कि खूबसूरत दादा हैं, जबकि मैं ये सोचता हूँ कि घंटा कोई फायदा नहीं है सनब्लॉक लगाने का, आप गए नहाने और सारा सनब्लॉक उतर जाता है, आपने काला वैसे ही होना है। मैंने लगाया, मैंने नहीं लगाया, मैंने इसलिए नहीं लगाया कि कोई फायदा नहीं है, हम अगले दिन भी देख लेंगे तो आप काले ही होंगे, मेरा रंग भी काला हो जाएगा, सनब्लॉक लगाने को फायदा नहीं होता, फौरन बह जाता पानी में, उसको तो मैंने लगाया, लेकिन ये शायद स्किन के लिए अपना इतना ज्यादा पॉजेसिव है कि ये इतना ज्यादा ख्याल लगता है कि नहीं भाई सनब्लॉक लगा रहे थे, मैंने भी लगा दिया, होगा कोई फायदा नहीं है। अच्छा जबरदस्त, खैर आप तो ना एंजॉय कर रहे नहीं कर रहे, मजा आ रहा नहीं आ रहा? गाइस हम खा वा के नहा धो के बिल्कुल फारे हो चुके हैं और इंतहा से ज्यादा थक चुके हैं, अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब हमें निकलना है घर क्योंकि हम नहा नहा के एकदम थक चुके हैं, यकीन जाने मैं अभी कपड़े चेंज कर रहा था तो खड़े खड़े सो रहा था मैं, वो हालत थी मेरी, तो अब जो है मुझ में अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो मैंने कपड़े चेंज करे और मैं अब आराम से टिक कर बैठ गया हूँ कि अब बाकी सब जब तैयार हो जाएंगे तो गाड़ी में बैठ कर घर की तरफ रवाना होंगे। इंशाल्लाह जब हम निकल रहे होंगे हमसे तब मुलाकात होगी, जब तक के लिए आप लोग जो हैं वेट करें और हम लोगों को रेस्ट का मौका दें। मेरे भाइयों अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, सारा सामान हमने समेट लिया है, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, अब आप देख सकते हैं कि रंग हमारा बिल्कुल चल चुका है, साउंड कार्ड हमारा बिल्कुल उड़ चुका है, और ये बात एग्री करेंगे वाज भाई भी, क्यों वाज भाई रंग भी गया है, रंग भी हो गई है बहुत ज़्यादा, अभी तो बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी थकन हो गई है, पानी ने जो टमाटे कराए हैं उसकी थकन नहीं जाएगी, अभी खड़े खड़े सो रहे हैं, मतलब के सोएंगे फ्रेश होंगे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे, रास्ते में भी आपके साथ ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही हैं, घर पर ही आपकी जान छोड़ेंगे हम, मैं भी बहुत शरीर क्योंकि रंग हमारा उड़ चुका है, साउंड सिस्टम हमारा उड़ चुका है, तो सबकी हालत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, तो अभी जो है ना सब बस सामान पैक करके निकलने की जल्दी में, जल्दी हम बस में सारा सामान रख रहे हैं,
दोस्तों हमारे निकलने का टाइम वापस आ चुका है, हम वापस जा रहे हैं। दोस्तों रास्ते में बारिश भी हो गई, वो भी इतनी तेज, और यहाँ पे सबको नींद आ रही है, सोने की कर रहे हैं, सबको जगाने के लिए कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक तेज हो रही है, तो यहाँ पे रश है, पता नहीं क्यों बंद करा हुआ लोगों को आगे जाने के लिए दे रही है। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने मंजिल मकसूद पर। बहुत ज़्यादा थकन हो रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और जिससे हमने रास्ता गुजारा है सो के, ये हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। क्यों आज ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करी है। हालांकि पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, एक दो बार बचे भी हैं, माशाल्लाह ने बचा लिया। तो हम लोग यहाँ से जहाँ से निकले थे वहीं पहुँच गए। फाइनली अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब जाएंगे, ज़रा आराम करेंगे, खाएंगे पियेंगे, सोएंगे, नींद पूरी करेंगे, उसके बाद फिर जो है बाकी चीज़ें करेंगे। तो जब तक के लिए फिर आपसे हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।